दो बांग्लादेशी नागरिक यहां पर हल्द्वानी में पकड़े गए हैं। हल्द्वानी में जो दो बांग्लादेशी नागरिक जो मेडिकल वीजा पे भारत आए थे, कि किसी का इलाज कराना है और मेडिकल वीजा उन्होंने बनाया, पासपोर्ट भी उनके पास था, जो पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था, पासपोर्ट काफी दिन पहले एक्सपायर हो गया था, और वो यहाँ पर एक फल का ठेला लगा के सब्जी का ठेला लगा के यहाँ पर काम कर रहे थे और किसी को कानो भनक नहीं। ये खबर कब पता चली? जब पुलिस ने सत्यापन किया, जब हल्द्वानी में चल रहा है पुलिस वेरिफिकेशन, सत्यापन जो चल रहा है सभी का, और फ्रूट वालों का, जो भी दुकानदार है, जो बाहरी व्यक्ति है, उनका सत्यापन चल रहा है, तो इस सत्यापन के चलते वो पकड़े गए हैं। उनको देखा तो वो बांग्लादेशी निकले और उनके पास पासपोर्ट भी निकला, वो भी बांग्लादेशी निकला। उनका जो वीजा था वो वीजा मेडिकल वीजा था, मेडिकल वीजा में भारत आए थे, और उसके बाद वो यहाँ पर इलाज कराया उन्होंने, और कुछ दिन के बाद जिसका इलाज कराया वो तो नहीं रहा और वो लोग यहाँ रहे। जिसका इलाज कराया था वो तो, उसकी तो मृत्यु हो गई क्योंकि कैंसर का इलाज था, तो कैंसर का इलाज हो नहीं पाया, कैंसर था उनको, वो तो रहे नहीं, मगर ये रह गए यहाँ। अब उनको अंदर कर दिया गया है, कोतवाली में बंद है, वो पुलिस की कस्टडी में वो है। अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो बिना वीजे का कैसे रह गए? वीजा जब तक था तब तक था, तब तो ठीक है, अब पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गया है, एक्सपायर पासपोर्ट पे भारत में कैसे? ऐसे तमाम लोग हैं। अभी यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है, सत्यापन हो रहा है, बताते हैं पूरी स्टोरी कि कौन वो लोग थे, कहाँ से आए और क्या था, सारा कुछ आपको मैं डिटेल बताऊंगा। बने रहना चैनल में, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर, लाइक कमेंट जरूर करिए। तो वो लोग थे पश्चिम बंगाल के निवासी थे, वो तमिलनाडु में, जो मेडिकल वीजा क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है, बेलोर तमिलनाडु में, तो वहां पर वो लोगों ने वो वीजा लगाया था। वो वीजा लगभग 10/9/2023 को हरिदासपुर पश्चिम बंगाल लैंड इमिग्रेशन चेक पोस्ट से मेडिकल वीजा पर भारत बंगाल लैंड भारत में प्रवेश किया हुआ था, और दिनांक 10/9/2023 को उन्होंने वहां पर उस मेडिकल कॉलेज में इलाज कराया, जहां 25/9/2023 को इलाज कराने के लिए आए थे, उसको गले का कैंसर निकला, वो हो जांच में पुष्टि हुई। उसके बाद वो वहां से आगे 21/11/2023 को उन्होंने वहां इलाज नहीं कराया, तमिलनाडु में वहां उन्होंने फिर इलाज नहीं कराया, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया होगा, पैसे होंगे नहीं, तो आगे हुआ वापस सीधे, वो कहा है हल्द्वानी लालकुआ आगे, सीधे वहां से उन्होंने ट्रेन में बैठे और हल्द्वानी लालकुआ आगे सीधा, वो इलाज तो कराया नहीं और कैंसर निकल गया, और वहां से फिर पैसे नहीं होंगे तो किसी कारणवश वो सीधे हल्द्वानी लालकुआ आगे ट्रेन से। तो उसके बाद वो हल्द्वानी आए, हल्द्वानी में उनकी बहन रहती थी, उनकी बहन ने, वो भी पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी, उनकी बहन ने यहाँ पर जो भारत के जो निवासी हैं उनके साथ उन्होंने विवाह कर लिया था, तो बांग्लादेश से उन्होंने विवाह करा और भारत में रहने लगे। भारत के हल्द्वानी शहर के लालकुआ एरिया क्षेत्र में उसकी बहन रहती थी, तो वो अपने रिश्तेदारों के वहां आए, भारत में जो उनके रिश्तेदार थे उनके वहां आए। अब भारत में शादी कर लिए तो उन्होंने यार नागरिकता तो हासिल कर ली होगी। तो मकान था गोजाजली बिथली में उसने जमीन ली और वहीं पर 7 साल से वो मकान में रहने लगी। वो जो उसकी बहन थी, वो खुद का मकान था और उसने जमीन खरीदी और अपने मकान में रहने लगी, और वो लोग भी अपनी बहन के वहां आए। 3 दिन से वो उसके घर में रह रहे थे। उसके बाद उन्होंने सुशीला तिवाड़ी में उसका इलाज कराया। 21/11/2023 को उन्होंने सुशीला तिवाड़ी में इलाज कराया कैंसर का, जो वो गले का, उसको जो गले का कैंसर था उसका इलाज उसने सुशीला तिवाड़ी में कराया। हालांकि सुशीला तिवाड़ी में उसने इलाज कराया, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु होगी, नहीं बची वो। कैंसर एक ऐसी बीमारी है कैंसर कि यार आप अगर पहला दूसरा स्टेज में है तो आप बच जाएंगे, अगर तीसरा स्टेज में है तो यार आप स्टेज में है तो तीसरे स्टेज में आप बच नहीं सकते, तो उनकी मृत्यु होगी। और जिसका इलाज कराया जा रहा था वो उनकी बेटी थी, काकुली नाम था उसका, काकुली की इलाज के दौरान उसकी मृत्यु होगी, वो नहीं रह पाई। उसके बाद उन दोनों ने सोचा यार अब वीजा का खत्म होने वाला है और पासपोर्ट की अवधि भी खत्म होने वाली है, तो यार उसमें तो कार्रवाई बनती है, तो वो लोगों ने ना यहाँ पर चुपके से, किसी को कानू खबर नहीं, चुपके से वो लोगों ने यहाँ पर अपना बिजनेस चालू कर दिया, ठेला लगा लिया, धीरे धीरे काम करना चालू कर दिया। पुलिस वेरिफिकेशन कुछ हुआ नहीं था, कोई जानने वाला नहीं, और उन्होंने कहाँ पर लगाया वो भी बताता हूँ। काकुली के जो माँ बाप थे वो अपनी बेटी को यहाँ जो पकड़े गए हैं ना, उसके मम्मी पापा पकड़े गए हैं, जो अभी यहाँ पर जो पकड़े गए हैं बांग्लादेशी जो नागरिक दो हैं उसके मम्मी पापा पकड़े गए हैं। काकोली उनकी बेटी थी,
उनकी बेटी नहीं रही है, मेडिकल वीजा उन्होंने लगाया था, इलाज हुआ नहीं और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्होंने आईटीआई तिराहे पे हल्द्वानी का जो आईटीआई तिराहा है वहां पर ना वो लोगों ने फड़ और ठेला लगाना चालू कर दिया। ठेला लगा के दोनों मियां बीबी उसमें सब्जी फ्रूट वगैरह बेचने लग गए, काम करने लगे। उनकी जो वीजा जो समाप्त हुआ था वो ये अभी फरवरी महीने में ही समाप्त हुआ था, उनका जो एक्सपायर हुआ था फरवरी महीने में उनका वीजा लगभग समाप्त हो गया था। उसके बाद जैसे पुलिस वेरिफिकेशन पुलिस सत्यापन का ये चलने लग गया, यहाँ चेकिंग अभियान चला रहे थे, समय समय पर पुलिस यहाँ चलाती रहती है, अभी भी चल रहा है, तो इस दौरान वो पकड़े गए। 353 एफआईआर नंबर 2014 विदेशी अधिनियम का अभियोग, जो विदेशी अधिनियम अभियोग है पंजीकृत कर उनको गिरफ्तार किया, उसके बाद उनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। जो उसका नाम था नारायण विश्वास था और उसकी बीवी भी थी, दोनों मियां बीवी। यार एक सोचने वाली बात है, हल्द्वानी में अभी कितने लोग ऐसे बाहरी व्यक्ति रह रहे होंगे, विदेशी व्यक्ति भी रहे हैं, पकड़े गए हैं। अब यहाँ पर सत्यापन अभियान चलेगा, हल्द्वानी में आए दिन यहाँ पर अभियान चलेगा। आप सोचे ना, फरवरी महीने मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, एकदम आठ महीने से विदेशी महिला और पुरुष मियां बीबी अपनी बेटी का इलाज करने इंडिया आते हैं, तमिलनाडु में वो लोग इलाज चेकअप कराते हैं, वहां से नहीं होने के बाद अपनी बहन के घर लाल कुआं रहते हैं गोजाजली, उसके बाद वहां कुछ दिन रह के वो लोग इलाज कराते हैं सुशीला तिवाड़ी में। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु होगी। तो काफी दिनों के बाद अब उनका वीजा भी एक्सपायर हो गया, पासपोर्ट की तिथि भी एक्सपायर होगी, अब क्या करें। अब उन्होंने सोचा यार यहीं कहीं कोई देख तो नहीं रहा है, यहीं कहीं एक फ्रूट का ठेला सब्जी का ठेला लगा लेते हैं। आरटीआई तिरा के पास वो लगभग 7-8 महीने से फ्रूट सब्जी का फल ठेला लगाते थे, वही उसी से कहीं किराए पर रह के वहीं पर रह के अपना जीवन यापन करते थे। जब पुलिस का डंडा पड़ा, जब पुलिस ने वेरीफाई किया और सत्यापन की बात आई, चेकिंग अभियान जब चला, तो उस दौरान वो पकड़े गए। अब उन दोनों को पकड़ के एकदम चौकी ले आए, थाना ले आए, थाना लाके उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। कोर्ट के सामने पेश करके उनको अब बांग्लादेश भेजा जाता है या फिर क्या किया जाता है, किस किस तरह की धारा लगती है, क्या होता है, क्या सजा होती है, वो आने वाला समय बताएगा। तो आप प्लीज, अगर आसपास आपके कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति दिखता है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको लग रहा है यार बाहर का आदमी है और इसका कोई सत्यापन नहीं है, कोई नाम पता कुछ है नहीं, तो आप तुरंत पुलिस को सूचना दीजिए और एकदम से उसका सत्यापन करिए और उसको पता करिए कि कौन व्यक्ति है वो जो ऐसे अनजान बन के रह रहा है ठेला फड़ सब्जी। तो इसीलिए अब अभियान चल रहा है कि जिस जो ठेला फड़ वगैरह जो लगाएगा ना, उसके गले में आई कार्ड होना जरूरी है, बहुत जरूरी है सत्यापन होना अगर इस तरीके से बचना है। तो विदेशी लोग भी यहाँ पर रह रहे हैं, ऐसा मामला हल्द्वानी से सामने आया है यहाँ पर, तो आए दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ होते रहता है। पुलिस वेरिफिकेशन अभी हो रहा है, सत्यापन हो रहा है, आप एकदम रियल काम करिए और अच्छा काम करिए। अब यहाँ पर हल्द्वानी में डीएम साहब ने ये भी बोल दिया कि फिक्स ठेले लगेंगे, एक्स्ट्रा ठेले बिल्कुल नहीं लगेंगे, जो पुराने हैं और जो पहले से काम करते आए हैं, जो पहले से यहाँ पर वेंडर जोन में है, उन्हीं को हम लोग लगाने देंगे, बाकी लोगों को नहीं लगाने देंगे, क्योंकि ऐसा करेंगे तो पूरा शहर ठेलों से भर जाएगा। तो इसी वाणी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, नई जानकारी थी, अब आगे को क्या जानकारी आती है, नई खबर के साथ फिर से हम आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, बने रहना आप चैनल में, चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना, लाइक कमेंट जरूर करिएगा आप और सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को, ताकि लोगों को जागरूक रहे लोग, क्यों आपको भी सत्यापन करना है, अगर आप किराए में भी रह रहे हैं तो भी आपको सत्यापन करना बहुत जरूरी हो गया है। तो तब तक ले, बाय बाय।